यूपीएससी का एक पुणे महाराष्ट्र के गांव से और यहां तक की सफर कैसा रहा और क्या इतना आसान था आपके लिए सपना देखना? मैं उस घर से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे एम का मतलब एम ही होता है, उस एम से इधर उधर हिलना नहीं है ये सिखाया गया। मुझे ऐसा लगता है जब तक हर कैंडिडेट में वो आग नहीं लग जाती तब तक इसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है आप इस एग्ज़ाम्स को कैजुअली नहीं ले सकते, इतना घूमते टहलते लिख लिया टाइप नहीं होता। जब लास्ट ईयर आप डिप्टी कमिश्नर के रूप में जमशेदपुर में संभाल रही थी और जब यहाँ जब आपकी पोस्टिंग हुई, जब खबर आई इसके साथ खबर आई कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो मेरा जो ऑर्डर आया था शायद वो 25 तारीख को आया था। आई लॉस्ट माई फादर ऑन 23rd of February। वो मुझे काफ़ी लगा अंदर से कि ये चीज़ देखने के लिए वो नहीं रहे। बहुत बार जैसे हमने देखा जब अग्निवीर के बच्चे आंदोलन कर रहे थे लास्ट ईयर, तो उनके प्रति काफी आप संवेदनशील रहती है। उस वक्त मैं वहाँ पे कोई डीसी के एंगल से नहीं गई थी, तो इसीलिए हमने उन बच्चों को बिठा के समझाया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक उनकी बात रखनी थी, जिन जिन लोगों से वो बात करना चाह रहे मिलना चाह रहे मिलाया। साथ ही साथ जब उनके ऊपर एक FIR करने की बात आई तब आई पर्सनली प्रोटेस्टेड, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो उस तरह से उनका करियर को खराब करना या टेंटेड करना मुझे सही में अच्छा नहीं लगा। आप जिस तरीके से हम लोगों ने थोड़ी सी आपकी बायो दिखाया है सर, यूपीएससी का एक पुणे महाराष्ट्र के गांव से और यहां तक की सफर कैसा रहा और क्या इतना आसान था आपके लिए सपना देखना? अच्छा, एक आम परिवार से होकर किस तरह के सपने किस तरीके से देख सकते हैं, क्या आप बताएंगे कि इंस्पायरेशन क्या रहेगा आपके? आज भी यूपीएससी जो एक एग्जाम के थ्रू जनरल 24 से 25 सर्विसेज का एक क्लास वन ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट करती है, आज भी वो बहुत टफ एग्जाम है, काफ़ी टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग बच्चे उसमें अपीयर करते हैं। तो जब आप एग्ज़ाम लिखने के प्रोसेस में होते हैं तब आपके सामने वो ऐसा लक्ष्य होता है। मुझे ऐसा लगता है जब तक हर कैंडिडेट में वो आग नहीं लग जाती, जब उसके ध्येय पे उसके सारे एफर्ट्स नहीं लग जाते तब तक इसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है आप इस एग्ज़ाम्स को कैजुअली नहीं ले सकते, इतना घूमते टहलते लिख लिया टाइप नहीं होता। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बट मुझे लगता है कि हर एक सिविल सर्विसेज लिखने वाला कैंडिडेट अपने आप में एक अलग सक्सेस स्टोरी है। सबकी बैकग्राउंड अलग होती है, सबकी जर्नी अलग होती है, सबका वहाँ तक पहुँचने का टाइम ड्यूरेशन अलग होता है, जिस परिस्थिति में वो प्रिपेयर करता है वो सबकी परिस्थिति अलग होती है, उनके मोटिवेशंस अलग होते हैं। तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम लिखना है ये सोचने के बाद एग्ज़ाम लिखना, एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद फिर एक ट्रेनिंग होना, और जब आप एक्चुअल फील्ड में होते हो तो वो ड्यूरेशन आपका एक 60 साल तक जब तक आप रिटायर नहीं होते हैं तब तक, ये तीन अलग अलग फेजेस हैं। और अपना आपका खुद का व्यक्तित्व कैसा है, आपके संस्कार कैसे हैं, आपके प्रिपरेशन या आपको यहाँ आने के पीछे क्या मंशा रही है, वो एक बेसिक फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग और क्लियर है तो मुझे लगता है तीनों फेजेस बड़े आसानी से क्लियर हो गए। मैम, मुझे जानना ये था कि क्या जिस घर से आप आती हैं वहाँ इतना ऐसा माहौल था कि यूपीएससी के लिए सोचना या ये करना सब कुछ आसान था, बड़ी आसानी से मिल गया, या संघर्ष रहा किस तरीके से? नहीं, जिस घर में ये सोचा गया तो मुझे एक्चुअली यूपीएससी के बारे में कोई नहीं पता था। ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट जो बच्चे होते हैं, खासकर लड़कियाँ लड़के कोई भी हो, चाहे वो शहरी हो, ग्रामीण हो या सेमी अर्बन एरियाज के हो, इस कंसेप्ट को वो किसी ना किसी के ज़रिए ही इंट्रोड्यूस होते हैं। एक तो वो अपने जीवन में किसी अच्छे आदर्श ऑफिसर को देखते हैं, रोल मॉडल के तहत वहाँ जाना पसंद करते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स उनके लिए बहुत बड़ा जरिया होते हैं कि वो इस तरह का एक बीज आपके मन में डालते हैं, फिर उसको अंकुरित करने के लिए वो प्रयास लेते हैं, फिर आपको वो नर्चर करते हैं, आपको वो मोटिवेट करते हैं, आपको रिसोर्सेज देते हैं। तो मैं दूसरे कैटेगरी में फॉल करती हूँ। मेरे घर में मेरे फादर काफ़ी इंस्पिरेशनल रहे इस आइडिया को लेके, वो खुद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने अपने करियर में बहुत अच्छे अच्छे पुराने ज़माने के जो इंटीग्रिटी बहुत बेहतरीन इंटीग्रिटी रखने वाले कर्मठ ऑफिसर्स थे उनको उन्होंने देखा था। हमने व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, वो जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं आपके लाइफ के, उस वक्त भी हमने अपने शहर में बहुत अच्छे ऑफिसर्स को देखा, उन लोगों के अच्छे कामों को
न्यूज़पेपर और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के ज़रिए ही हम लोगों तक पहुंचाया गया। मुझे आज भी उन लोगों के नाम याद है, अविनाश धर्माधिकारी एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है, उनका एक विजय पथ नाम की एक किताब आई थी, उस किताब को उन्होंने मराठी लैंग्वेज में लिखा था, मिलियंस ऑफ यूथ हैव बीन इंस्पायर्ड बाय दैट बुक। बहुत सारे ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं वो मेहनत करके कैसे अच्छे अच्छे अफसर हो गए, वो एक अच्छा इंस्पिरेशन आपको इन लोगों से मिलता है। जब आइडिया जनरेट होती है उसके बाद की मैं बात बताती हूँ। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही अच्छी आईपीएस ऑफिसर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिली थी, उनका नाम था मीरा बोरवनकर, और उनके अच्छे अच्छे इंटरव्यूज है यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हैं। जब हम कॉलेज का ड्यूरेशन पार कर रहे थे तब पूरे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक बहुत ही बेहतरीन बहुत ही स्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर थे जिनका नाम था अरुण भाटिया, रमानंद झा, अविनाश धर्माधिकारी। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एडिशनल सेक्रेटरी है एक मैडम, वो पुणे जिला परिषद में, जिसको यहाँ हम DDC बोलते हैं, वहाँ उसको CEO बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद, बी राधा, आज भी मैम दिल्ली में है। तो इन लोगों को हमने हर साल इंटरव्यू देने के बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट आती है, उनकी जर्नी होती है, तो उसको पढ़ के हमने इंस्पायर होते हुए देखा है। तो घर में खुद पेरेंट्स ने ये आइडिया डाली, घर में खुद प्रिपरेशन करने के लिए मोटिवेट किया गया, बाहरी या मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा आंतरिक या फंडामेंटल चीज़ों को डेवलप करने में बहुत जोर दिया गया। आपके पास दो चार चीज़ें कम हो मगर जो हो वो अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, इसके ऊपर फोकस दिया गया। मैं उस घर से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे एम का मतलब एम ही होता है, उस एम से इधर उधर हिलना नहीं है, ये सिखाया गया। उस वक्त इतने न्यूज़ चैनल नहीं हुआ करते थे, या फिर घर में केबल लेना एक प्रकार होता था, उसमें आपको पैसे काफ़ी अच्छे देने पड़ते हैं तब आप मल्टीपल चैनल्स लेते हो। तो बेसिक न्यूज़ देखने का पुराने ज़माने के लोग, जैसे ऑल इंडिया रेडियो सुबह सुनने की किसी की आदत होती है, किसी की दूरदर्शन देखने की आदत होती है, तो घर में 7 बजे शाम को दूरदर्शन का रीजनल न्यूज़ चैनल लगता था। तो वो न्यूज़ ख़त्म हो जाने के बाद ढन 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 जो म्यूज़िक होता है ना, वो म्यूज़िक भी बजने तक टीवी नहीं ऑन होता था, कि मतलब ये ऑन वेकेशन है। हाँ, मतलब ये आप बहकने के लिए बहुत कम समय लगता है, ट्रैक पे रहने के लिए बहुत मेहनत लेनी पड़ती है। तो फोकस उन्हीं चीज़ों पे दिया गया। घर में पढ़ने का कल्चर अच्छा था, मतलब अदर देन करिकुलर एक्टिविटीज़ भी एक्स्ट्रा करिकुलर पढ़ने पे काफ़ी जोर दिया करते थे। संडे मतलब रविवार को घर में इतने न्यूज़पेपर्स आते थे कि सुबह 8 बजे से 8:30 बजे से लेकर के 11:30-12 बजे तक सन्नाटा रहता था, सब लोग अपना अपना पेपर लेके पढ़ रहे हैं। उसमें कल्चर था, उसमें म्यूज़िक था, उसमें मूवीज थे, थिएटर थे, पॉलिटिकल न्यूज़ थे, तो एक इंडिपेंडेंट सोच डेवलप हो गई, एक प्रगल्भता जिसको बोलते हैं, मैच्योरिटी डेवलप हो गई, चीज़ों को देखने का एक नज़रिया डेवलप हो गया। और मुझे लगता है यही चीज़ें होती है वो एक पर्सनालिटी को बनाती है, और यही पर्सनालिटी बाद में आपको अच्छी निर्णय क्षमता लेने के लिए काम को आती है। तो अदर देन सिलेबस जो एक UPSC देती है वो इतना एग्जॉस्टिव होता है कि एनीथिंग अंडर द सन कम्स अंडर द सिलेबस। तो आप सारी चीज़ें करंट अफेयर्स या करंट नॉलेज जिसको बोला जाता था, जनरल नॉलेज पहले जिसको बोलते थे, उसमें तो कवर होती ही है, बट एक अच्छी निर्णय क्षमता लेने के लिए इन चीज़ों की मुझे लगता है ज़्यादा आवश्यकता होती है। दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, एंड इफ दैट इज़ नॉट डेवलप्ड आई थिंक देन यू बिकम अ वेरी वीक डिसीजन मेकर। मुझे लगता है ये फाउंडेशन ही डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट ईयर आपके लिए, जिसे आपने बताया कि फादर जो बीज बोने वाले पेरेंट्स रहे, जब लास्ट ईयर आप डिप्टी कमिश्नर के रूप में जमशेदपुर में संभाल रही थी, उनका ख्वाब था कि आप एक बार DM या डिप्टी कलेक्टर बने, और जब यहाँ जब आपकी पोस्टिंग हुई, जब खबर आई, इसके साथ खबर आई कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, आपके लिए काफ़ी इमोशनल पार्ट रहा, तो क्या कहीं वो मलाल ये रहता है कि आपको जो चाहते थे वो पर, हालांकि IAS तो आप बन चुकी थी बाकी चीज़, लेकिन एक डिप्टी का होता है जिस पेरेंट्स क्या DM बन गए या ये, तो वो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा इमोशनल डिस। तो मेरा जो ऑर्डर आया था शायद वो 25 तारीख को आया था, आई लॉस्ट माई फादर ऑन 23rd of February, आई कुडंट गिव हिम दिस थिंग। और मुझे याद है कि कुछ दिन पहले से ही वो मुझे पूछ रहे थे कि कब तुम्हारा ऑर्डर आने वाला है, या कहाँ तुम्हें सरकार तुम्हारी भेज रही है, इस टाइप से क्यूरियोसिटी वाले सवाल जैसे हर पेरेंट्स पूछते हैं वैसे वो भी पूछ रहे थे। तो वो मुझे काफ़ी लगा अंदर से,
कि ये चीज़ देखने के लिए वो नहीं रहे, और उनका ये मानना था कि हर दिन तुमको मतलब घर जाओगी या फिर रात को व्हेन यू गो टू योर बेड यू शुड फील दैट कि मैंने आज किसी ना किसी का जीवन में भला किया, मेरे वजह से किसी के जीवन में कुछ अच्छा काम हुआ, तो वो दैट इज़ द रियल गेम। तो मुझे लगता है कि मैं उसको जीवन भर फॉलो करूँगी, तो वो मलाल उस एंगल से तो है। मैम आपके लिए बड़ा डिपेंड होता है, बहुत बार जैसे हमने देखा जब अग्निवीर के बच्चे आंदोलन कर रहे थे लास्ट ईयर और उचित पर हुए थे ट्रेन, हालांकि पूरे देश में हिंसा फैली हुई थी और जमशेदपुर में भी डर था जब 300 से 400 बच्चे अचानक जो है ट्रेन के आगे आ गए और उन्होंने ट्रेन रोक दी, लेकिन सबसे अच्छी बात है किसने पत्थर तक नहीं मारा और सब इस मांग पर बैठे हुए कि डीसी आएंगी, हम डीसी को आप वहां पर गई और सारे बच्चों से नीचे बैठ कर बात कर रही थी और उन्हें पेरेंट्स के रूप में समझा रही थी, आप बता रही थी कि देखो हम भी आप ही के बीच से हैं और जो संघर्ष तुम कर रहे हो इसलिए हम भी 50-50 पैसे जो है पेपर फोटोकॉपी कहाँ होगा वो लेकर भागते थे कि 25 पैसे में, तो कैसा मतलब वो संघर्ष ये रहा और बच्चों से आप कनेक्ट हो पा रही थी और बच्चे आपकी बातें वो समझ भी पाए और आराम से वो घर भी गए। तो हम देखते हैं कि जब आम आदमी की कई बातें आप ट्राइबल जैसे सबर लोगों के लिए आप गई वहां पर उनको मतलब तो उनके प्रति काफी आप संवेदनशील रहती है और बहुत लोगों से आप मिलती भी नहीं है तो उनके लिए आपके पास बहुत टाइम रहता है, मतलब आम लोगों के लिए तो एक डीएम के लिए एक कैसे प्राथमिकताएं तय करती हैं कि जैसे आपने कहा कि भाई हमारा हम जब शाम में जाएं तो ये सोचे कि हमने कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव लेकर आया, तो कुछ खास प्राथमिकता आपने तय रखा है कि भाई जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है उन लोगों को हम ज्यादा टाइम देंगे, जो सो कॉल्ड ए हैं उनको हम नहीं देंगे, कुछ ऐसा अपने सर्दी रखा। और बच्चों वाला थोड़ा सा आप बताइएगा, जब ए आया तो आपको गुस्सा नहीं है जब बच्चे जिद पर करके बैठे हुए थे? उस वक्त मैं वहां पे कोई डीसी के एंगल से नहीं गई थी, उस वक्त मुझे लगा कि हम भी कभी इस फेस से जा चुके हैं, कभी मेरा एप्लीकेशन अगर इस तरह से रिजेक्ट होता या एकाध साइन जिस दिन मैं प्रिपेयर कर रही थी या किया होता और उस वक्त अगर कुछ क्राइटेरिया चेंज होता तो या मेरा एलिजिबिलिटी का एकाध साल वेस्ट होता तो मुझे कितना बुरा लगता। तो ये तो लड़के हैं, यंग लड़के हैं, तो वो जो एम्पथी जिसको बोलते हैं दूसरे के शू में जाके उसके भावनाओं को समझना और फिर उसको उसी के तरीके से टैकल करना, मुझे लगता है कि ये प्रशासन में एक अच्छे कुशल प्रशासक में ये गुण होना चाहिए। तो इसीलिए हमने उन बच्चों को बिठा के समझाया कि हम आपकी सारी भावनाओं को समझते हैं, आपका प्रोटेस्ट करना लोकशाही में लोकतंत्र में इंटीग्रल पार्ट है, बट डिसएग्रीमेंट का एक तरीका है, आप ये पब्लिक प्रॉपर्टी आपके मेरे सैलरी से टैक्सेस से कॉन्ट्रीब्यूशन से बनी हुई है, ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बहुत लोगों के लिए बनी, हो सकता है इसे ट्रेन से कोई हॉस्पिटल जाना चाह रहा हो दिल्ली में या कलकत्ता में उसको जला के तुमको नौकरी थोड़ी मिलने वाली है, तो ये सब करने के बजाय आप चाहते क्या वो बताइए। तो आप उनके प्रॉब्लम सुने, उन लोगों को मिलना था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक उनकी बात रखनी थी, तो हमने बोला हम आपको एमपी साहब से मिलवाते हैं, शाम को उनसे हमने एमपी साहब से मिलवाया, बारिश के वजह से वो लोग आ नहीं पाए, एमपी साहब भी उनके लिए बैठे रहे, एमएलए साहब से वो मिलना चाह रहे थे, हमने जिन जिन लोगों से वो बात करना चाह रहे मिलना चाह रहे मिलाया। साथ ही साथ ये भी नहीं ना हम कह सकते कि अभी आप मिले और कल आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, साथ ही साथ हमने उनको करियर डेवलपमेंट के और भी रास्ते बताए कि तुम एनडीए के एग्जाम लिखो, आपने काउंसलिंग भी रखा, सीबीएसई कंबाइंड डिफेंस एग्जाम लिखो, यूपीएससी के एग्जाम लिखो, जेपीएससी एग्जाम लिखो, कुछ भी नहीं हुआ तो स्टार्टअप तो शुरू करो, कुछ नया सोचो, इससे क्या होगा। और मोर देन दैट जब उनके ऊपर एक एफआईआर करने की बात आई तब आई पर्सनली प्रोटेस्टेड कि नहीं करना चाहिए, किसी पे एफआईआर नहीं होगा, रेलवे ने पकड़ कर लाया तो आपने उनको, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो उस तरह से उनका करियर को खराब करना या टेंटेड करना मुझे सही में अच्छा नहीं लगा, एंड आई रियली सेड कि इसमें एक में भी एफआईआर नहीं होना चाहिए उनका, वो किसी और को देख के, वो बिहार में उस वक्त काफी ट्रेन चल रही थी, पूरे देश में हिंसा फैली हुई थी, कई सारे जल चुके, देख के वो वहां पे उस तरह का इमिटेशन बिहेवियर में आए हुए थे, समझाने के बाद वो बच्चे अच्छे से समझे, हो सकता है उनके प्रॉब्लम सॉल्व हुए हो सकता है उन्होंने कोई और तरीके अपनाए।